दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ होलसेल मार्केट पुरानी खुलने से रिटेलर को बहुत परेशानी है क्योंकि उसको हर कंपनी का माल लेने के लिए अलग अलग दिन मार्केट जाना पड़ रहा है अगर ये मार्केट पूरा खुल जाए तो उसको एक बार में सारा काम हो जाए और ताकि लॉकडाउन की पालना भी आराम से हो जाए हम तो चाहते हैं कि लॉकडाउन की पालना पूरी हो और मरीज को कहीं भी तकलीफ नहीं हो हम बैठे खोल के इसीलिए क्योंकि हमारा धंधा मानवता का है और तो इसके लिए हमें ज़रूरी है बैठना और बैठ भी रहे लेकिन प्रशासन अपनी जीत पे अड़ा हुआ है न तो पूरा मार्केट एक साथ खोल रहा है इससे क्या अजमेर ज़िले के जो आसपास के जो कस्बे हैं जिनका भी माल यहाँ से आपूर्ति होती है वो लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि हर 20-20 दुकानें चार चार दिन के लिए खुल रही है यानी कि एक सर्कल पूरा होने में 20-25 दिन लगते हैं यानी उस आदमी को अगर एक पार्टी का माल आ गया उसको वापस माल लेना तो उसको 20 दिन बाद ही आना पड़ेगा लेने के लिए इसमें मरीज भी परेशान हो रहा है रिटेलर भी परेशान हो रहा है और जो रिटेलर अपनी उपस्थिति जो दर्ज करा रहा है उसका पूरा बेनिफिट आम जनता को नहीं मिल पा रहा है क्या मांग है आपको हमारी मांग है कि मार्केट पूरा खुले अभी 12 से 6 खुल रहा है हमारे हिसाब से बोली 12 से 4 खोल दे कोई तकलीफ नहीं लेकिन पूरा खुले एक साथ अच्छा इसको नुकसान किसको हो रहा है इसमें नुकसान सभी को हो रहा है मतलब होलसेलर से लेके कस्टमर तक नुकसान हो रहा है कस्टमर को किस तरह से नुकसान हो रहा है कस्टमर को जो दवा लिखी है डॉक्टर ने वो मिल नहीं पा रही है वो नुकसान उसका वो है जी yeah.